हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हो आप सब? होप कि आप अच्छे होंगे। मेरी तो हमेशा यही एक्सपेक्ट रहती है। तो हाँ, आज की मेरी न्यू रेसिपी है यम्मी क्रिस्पी साउथ इंडियन रेसिपी, दैट इज डोसा। यार मसाला डोसा विथ चटनी, मुँह में पानी आ गया यार। साउथ घूमने की जाने की बहुत इच्छा हो रही है। कोई नहीं जा पा रहे हो इस कोरोना के टाइम पर, इट्स ओके, अपन घर में भी बना सकते हो इस रेसिपी को। जल्दी से मेरी वीडियो को पूरी देखो, और पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कोई डाउट हो तो कमेंट करना, और नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यार बहुत मेहनत से रेसिपीज बनाती हूँ, और उसके अलावा एडिट करना सब आपके लिए कर रही हूँ, इसलिए जल्दी से कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर दो। 3 बाउल राइस और 1 बाउल दाल उड़द की कर दो, और इसे गला कर रख दो एक नाइट पहले। और उसके बाद जो दाल है, अगर वो छिलके वाली है तो उसके छिलके ऑटोमेटिक निकल जाएंगे। मैं आपको बता देती हूँ किस टाइप से निकलेंगे ये। जब दाल 8 से 9 घंटे बाद रेडी हो जाएगी प्रॉपरली गल के, तो इस तरह से इसके छिलके निकाल सकते हैं। आप देख सकते हो ये अपने आप अलग हो जाएंगे, और इसी तरह से मैंने सारे इसके छिलके निकाल लिए हैं। दाल गलकर बिल्कुल रेडी है। सेम टाइम पर जब हमने दाल गलाई थी, उसी टाइम पर हम 3 गिलास चावल को भी इसी तरह से पानी में गला देंगे और 2-3 बार पानी को धो लेंगे, और नेक्स्ट डे आप देखोगे कि ये बहुत अच्छे से पीसने के लिए रेडी हो जाएंगे। अब हम दाल और चावल दोनों को अलग अलग पीस लेंगे और इस तरह से बैटर बना लेंगे। अब हम दाल को भी इसी तरह से पीसेंगे, बहुत ध्यान से पीसना है क्योंकि बैटर की कंसिस्टेंसी एक ही जैसी होनी चाहिए, इस तरह से। अब दाल और चावल दोनों का जो बैटर रेडी हुआ है, हम इसे इस तरह से अच्छे से मिक्स कर देंगे, और इसे कम से कम 3 से 4 घंटे फर्मेंट होने के लिए रख देंगे। यानी कि ये जब उठ जाता है, कॉमन लैंग्वेज में बोलो तो जब ये उठ जाएगा तब ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और सबसे पहले हम अब चटनी बनाएंगे। इसके लिए हम लेंगे 1 बाउल नारियल, 3 से 4 ग्रीन चिली, 1 बाउल छिलके वाले चने। अब यहाँ पर हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और उसमें इन तीनों चीज़ को मिक्स करके पीस लेंगे। हम चने के छिलके निकाल लेंगे, और अगर आप चाहो तो इसमें छिलके विदाउट निकाले भी इसे पीस सकते हो। अब हम 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे, नमक आपकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग है, और ये पीसकर बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हम एक पैन या फिर कढ़ाई लेंगे और उसको इंडक्शन या फिर गैस पर रख कर उसमें तेल डालेंगे, राई डालेंगे और नीम की लीव्स डालकर उसका एक तड़का रेडी कर लेंगे। जब आप नीम की लीव्स डालो इसमें तो ध्यान रखना इससे बहुत बुरी तरह से छींटे उड़ेंगे। और ये हमारा तड़का रेडी है। अब हम इसे हमारी चटनी में ट्रांसफ़र कर देंगे। इस तरह से मिक्स नहीं करेंगे, और कर भी लेंगे तो भी रेडी है ये। अब हम बनाएंगे मसाला मिक्स। 2 से 3 डाली नीम की, 2 से 3 चॉप्ड ग्रीन चिली यानी कि हरी मिर्ची, 3 से 4 बारीक कटे हुए प्याज, और 8 से 10 अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आलू। अब हम सबसे पहले आलू बॉईल करेंगे। मैंने यहाँ पर आलू बॉईल करने के लिए इंडक्शन यूज़ करा है, और उसमें हम इस तरह से सारे आलू को डाल देंगे। और हाँ, आप पानी बिल्कुल सेम क्वांटिटी का देख कर डालना, क्योंकि इससे ना तो ज़्यादा मैश होने वाले कुक होंगे और ना ही कम कुक होंगे, मतलब सेम क्वांटिटी और सेम एग्जैक्ट मेजरमेंट में कुक होंगे। अब हम इसे ढक देंगे और 10 मिनट का टाइम सेट कर इसे पकने देंगे, और ये रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। अभी ये बहुत गर्म है, लेकिन इसे ठंडा होने के बाद हम ग्रेट करेंगे, या फिर अगर आप मैश करना चाहो तो मैश कर लेना, पर इसमें कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए। ये प्रॉपरली ग्रेट होने चाहिए, प्रॉपरली मैश होने चाहिए, इसलिए हम इसे ग्रेट करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। और ये ग्रेट होकर रेडी है। अब हम एक कढ़ाई या फिर एक पैन लेंगे और उसमें 3 से 4 चम्मच ऑयल ऐड कर देंगे, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे राई, जीरा, अगर आप सौंफ डालना चाहो तो वो भी, और ग्रीन चिली। इसे मिक्स कर लेंगे और फिर नीम डाल देंगे। इन सबको अच्छे से पकने देंगे थोड़ा सा, और उसके बाद हम इसमें 1/2 ग्लास पानी ऐड कर देंगे। इसको थोड़ा सा बॉईल होने देंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी ऐड करेंगे, उसके बाद इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे थोड़ा सा बॉईल होने देंगे, और उसके बाद इसमें मैश या फिर ग्रेटेड आलू को अच्छे से मिक्स करना है। प्रॉपरली इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसे बहुत ही ध्यान से मिक्स करेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा सा लिक्विड और सेमी लिक्विड, मतलब न ज़्यादा लिक्विड और न ज़्यादा गाढ़ा, हमें उस तरह का एक मसाला का मिक्स रेडी करना है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें 1 या फिर 1.5 चम्मच रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्ची का पाउडर ऐड करेंगे। क्वांटिटी आपके अकॉर्डिंग है, पर एग्जैक्ट टेस्ट बिठाने के लिए ये सही रहेगा। और उसके बाद 1/2 चम्मच गरम मसाला,
आप चाट मसाला चाहो तो आधी चम्मच वो भी ऐड कर सकते हो। फिर नमक आपके अकॉर्डिंग, मैंने यहाँ पर आधी से पौन चम्मच ऐड करा है। फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें आधी चम्मच अमचूर पाउडर ऐड करेंगे और उसके बाद उसे भी मिक्स कर देंगे और फिर ये रेडी हो जाएगा। आप चाहो तो इसमें आधी चम्मच काला नमक भी ऐड कर सकते हो। अब हम मसाला डोसा रेडी करेंगे। जो हमने बैटर फर्मेंट होने के लिए रखा था, आप देख सकते हो कितना अच्छा ये रेडी हो चुका है घर में ही, बिना कोई बेकिंग पाउडर, बिना कोई स्पेशल पाउडर के। कंसिस्टेंसी इसकी यही रहनी चाहिए। अब हम एक नॉनस्टिक पैन लेंगे और उसमें सबसे पहले तो ऑयल अप्लाई करेंगे। 2 से 3 बूंद इसमें ऑयल डालना है। उसके बाद हम इसे पानी छिड़क के इसे ऐसे पूरा प्लेन कर देंगे और उसको भी अच्छे से पोंछ लेंगे, मॉप अप कर लेंगे। अब हम इसमें हमारा बैटर डालेंगे। 1 चम्मच बैटर को इस तरह से अच्छे से राउंड करना है धीरे धीरे, बहुत ही ध्यान से करना है क्योंकि इसके फटने के भी चांसेस रहते हैं। पर आप देख सकते हो हमारा बैटर एकदम परफेक्ट हुआ था, तो ये बिल्कुल भी नहीं फटा है। अब हम इसमें मसाला अप्लाई कर देंगे। इस मसाले में हम प्याज भी स्प्रिंकल करेंगे और आप चाहो तो इसमें जीरावन भी डाल सकते हो, थोड़ा सा इंदौरी वाला बनाने के लिए। और साउथ के लिए जो मैंने बनाया ये वाला प्रॉपर है। बहुत ही क्रिस्पी डोसा बना रहा है मेरा, बिल्कुल मार्केट जैसा। अब हम इसे फोल्ड करेंगे। मैं बता देती हूँ कितना हुआ है, देखो आप देख ही सकते हो यार कितना गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे कट कर लेंगे मार्केट स्टाइल में और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे हमारी साउथ इंडियन स्टाइल नारियल की चटनी के साथ। तो ये मेरी थी आज की डिश, नारियल की चटनी के साथ। इसे अच्छे से इंजॉय करो और साउथ की याद में खो जाओ। आप चाहो तो इसे सांभर के साथ भी सर्व कर सकते हो और विदाउट मसाले वाला प्लेन डोसा भी। कैसी लगी वीडियो? बिल्कुल आ गई ना साउथ की याद इस रेसिपी को बनाकर खाकर, या फिर नहीं भी बनाई हो तो जल्दी से बना लेना। और नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। ऐसे ही यम्मी डिशेस के लिए सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।